कोरोना संक्रमण के बीच तेजी से फैलते ब्लैक फंगस बीमारी ने शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं और फिलहाल अस्पतालों में इस बीमारी के लिए बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है, तो पीड़ितों की मदद के लिए सरकार लगातार व्यवस्थाएं कर रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि भोपाल इंदौर मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू हो गया है। इस बीमारी में ऑपरेशन थिएटर की जरूरत पड़ती है। 5 विभागों के अध्यक्षों को मिलाकर टीम गठित की गई है, जिसके माध्यम से इलाज की व्यवस्था की जा रही है। दवाइयों की किल्लत पर मंत्री सारंग ने कहा कि मरीज के इलाज के साथ दवाइयों की भी व्यवस्था की जा रही है। गांवों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गांवों में किल कोरोना अभियान का असर अब दिखने लगा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। म्यूकोर माइकोसिस ब्लैक फंगस के मामले संज्ञान में आए हैं और इसीलिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की है और उसके साथ ही और बाकी भी हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में ये यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी में सर्जरी की भी जरूरत होती है, इसलिए ऑपरेशन थिएटर भी इसके लिए एयरमार्क किया गया है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हमें कोरोना को जड़मूल से समाप्त करना है, इसीलिए संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जो जो प्रयास सरकार को करने चाहिए वो सरकार ने किए। गांव में किल कोरोना अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस महामारी की जंग में समाज भी खड़ा हो, ये जो उनका प्रयास था उसमें भी हमें सफलता मिली है। गांव गांव में घर घर में सर्वे कर इस बात की इत्तला ले रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है और उनको किस ढंग से इलाज दिया जा सके। मेडिकल किट हमारे यहाँ एक एक हमारे लक्षण वाले व्यक्ति को दी जा रही है। देखिए अब इस तरह से कौन की फोटो किसके साथ है इस पर बहुत टिप्पणी नहीं की जा सकती, परंतु कार्रवाई हमने ही की है, कार्रवाई हमारी सरकार ने ही की है। इसलिए इस तरह से भ्रम पैदा करना, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के नेता तो स्वयं कालाबाजारियों को संरक्षण देते हैं, अब समाज में कौन व्यक्ति किस नेता के साथ आके फोटो खिंचा लेगा इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, परंतु यदि कोई गलत काम करते हुए पकड़ा या तो उस पर सख्त कार्रवाई हमारी सरकार।